कहते हैं मिलने से फासले कम हो जाते हैं, लेकिन सोच अलग हो तो मिलने से भी फासले कभी ख़त्म नहीं होते। और यह बात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर स्टिक बैठती है, क्योंकि बाबा साहब और महात्मा गांधी के बीच जो फासले थे वो मिलने के बाद भी कभी ख़त्म नहीं हुए। गुलामी की जंजीरों में बंधे भारत को आज़ाद करवाने में बाबा साहब और महात्मा गांधी का अहम योगदान रहा। कई मुद्दों पर उनके विचार एक समान तो थे, तो वहीं कई मुद्दों पर उनके बीच तल्खियाँ भी थी, जिसके कारण उनके फासले कभी कम नहीं हुए। और कहीं ना कहीं यह कारण भी रहा जिसकी वजह से बाबा साहब ने गांधी को कभी महात्मा नहीं कहा। इस वीडियो में हम आपको बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुए उन 5 विवादों से अवगत कराएंगे जिनको दुनिया से छिपाया गया। पहला विवाद, बाबा साहब और महात्मा गांधी के बीच पहला विवाद अछूतों को लेकर था, और इस मामले पर ये दोनों एक दूसरे के विरोधी बने। गांधी के अनुसार यदि जाति व्यवस्था से छुआछूत जैसे अभिशाप को बाहर कर दिया जाए तो पूरी व्यवस्था समाज के हित में काम कर सकती है। वहीं बाबा साहब ने जाति व्यवस्था को पूरी तरह से नष्ट करने की बात कही, तो वहीं अंबेडकर के अनुसार जब तक समाज में जाति व्यवस्था मौजूद रहेगी छुआछूत जैसे अभिशाप नए नए रूप में समाज में पनपते रहेंगे। इन दोनों के विचार अलग अलग होने की वजह से इस मामले को लेकर दोनों के बीच तकरार होता रहा। दूसरा विवाद, यह विवाद गांव को लेकर था। जहां गांधी ने देश के विकास के लिए लोगों से गांव का रुख करने को कहा, तो वहीं अंबेडकर ने लोगों से गांव छोड़कर शहरों का रुख करने की बात कही। बाबा साहब का मानना था कि गांव को छोड़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि आर्थिक उन्नति और बेहतर शिक्षा सिर्फ शहरों में मिल सकती है, और बिना इसके दलित समाज को विकास के चक्र में लाना नामुमकिन है। तीसरा विवाद, यह विवाद सत्याग्रह आंदोलन को लेकर रहा। उन्होंने ऊंची जातियों को सत्याग्रह के लिए प्रेरित किया। उनका मानना था कि छुआछूत जैसे अभिशाप को खत्म करने का बीड़ा ऊंची जातियों के लोग उठा सकते हैं, तो वहीं अंबेडकर का मानना था कि सत्याग्रह पूरी तरह से निराधार है। इसके मुताबिक सत्याग्रह के रास्ते ऊंची जाति के हिंदुओं का हृदय परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जाति प्रथा से उन्हें भौतिक लाभ होता है और इस लाभ का त्याग वह नहीं कर सकते। चौथा विवाद समाज की पैरवी करने को लेकर था। महात्मा गांधी राज्य में अधिक शक्तियों को निहित करने के विरोधी थे। उनकी कोशिश थी कि ज्यादा से ज्यादा शक्तियों को समाज में निहित किया जाए। इसके लिए वे गांव को सत्ता का प्रमुख इकाई बनाने के पक्षधर थे, लेकिन अंबेडकर समाज के बजाय राज्यों को ज्यादा से ज्यादा ताकतवर बनाने की पैरवी करते थे। अंबेडकर की जीवनी डॉक्टर अंबेडकर लाइफ एंड मिशन में धनंजय कीर लिखते हैं कि अंबेडकर ने महात्मा गांधी से कहा कि अगर आप अछूतों के खैर गवाह होते तो आपने कांग्रेस का सदस्य होने के लिए खादी पहनने की शर्त की बजाय अस्पृश्यता निवारण को पहली शर्त बनाया होता। पांचवा विवाद, 14 अगस्त 1931 का दिन वो दिन था जब महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच मुलाकात हुई थी। उस वक्त महात्मा गांधी ने अंबेडकर से कहा कि मैं अछूतों की समस्याओं के बारे में तब से सोच रहा हूँ जब आप पैदा भी नहीं हुए थे। हैरानी होती है कि इसके बावजूद मुझे आप उनका हितैषी नहीं मानते हैं। वहीं इस सवाल का जवाब अंबेडकर की जीवनी डॉक्टर अंबेडकर लाइफ एंड मिशन में लिखा, जिसमें धनंजय कीर लिखते हैं कि अंबेडकर ने महात्मा गांधी से कहा, किसी भी व्यक्ति जिसने अपने घर में एक अछूत व्यक्ति या महिला को नौकरी पर नहीं रखा, या उसने एक अछूत व्यक्ति के पालन पोषण का जिम्मा न उठाया हो, या कम से कम हफ्ते में एक बार किसी अछूत व्यक्ति के साथ खाना न खाया हो, उसे कांग्रेस का सदस्य बनने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए थी। आपने कभी भी किसी जिला कांग्रेस पार्टी के उस अध्यक्ष को पार्टी से नहीं निकाला जो मंदिरों में अछूतों के प्रवेश का विरोध करता पाया गया है। तो दोस्तों, ये थे महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच कुछ विवाद। आशा करता हूँ आपकी जानकारी में कुछ वृद्धि कर पाया हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।